कौन लीडर है, हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी के साथ। और वहाँ कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी जी की जो बिल्कुल आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति जो एक बड़ा समर्पण है, वो तो पूरा दलित एसटीएससी एक ही बात कह रहा है सभी जगह कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से हमारी बात कर रहे हैं और हेमंत जी जो हमारे एक लीडर हैं उसको परेशान कर दी, तो आप तो दलित आदिवासी पर हमला करते हैं, उसी के लीडर को ख़त्म करने की बात करते हैं। अच्छा, हेमंत जी जब तक रेड डोमिसाइल मुद्दा कभी बाहरी भीतर का बात नहीं होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते हैं, कांग्रेस की भी यही आइडेंटिटी है, हेमंत जी की भी यही आइडेंटिटी है, सभी लोग जात जात करते हैं, लेकिन हेमंत जी तो आदिवासियों से ज़्यादा दूसरे जात को सम्मान, दूसरे जात की इज्जत करते हैं। आप उठा के देखें, इसलिए कोनो चैलेंज है भैया, पूरा का पूरा झारखंड में है। अब चुनाव आयोग कहीं एक तरफा महाराष्ट्र में कर दिया कि भैया एक ही दिन चुनाव, ऐसा कभी दुनिया में हुआ था? कभी आज़ादी के बाद देखिए तो महाराष्ट्र में कई चरण में चुनाव हुआ, बाप बाप करना किसी तरह एन प्रकार जीतो, तो ये कैसे थी? यहाँ भी वही चुनाव आयोग ने वही किया, तो इसीलिए लोकसभा में आप कई चरण में लेते हैं, विधानसभा में कुछ ले लेते हैं, तो ये परेशान आत्मा है ये लोग, बीजेपी या चुनाव आयोग दोनों, आई पैसा वाला कि जल्दी से हो करो। बीजेपी हरियाणा में भी वही किया, कहीं 18 कहीं 13 कहीं 33, 1,22,33,33,000 वोट ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस के बीच का डिफरेंसेस है, तब उठा के देखिए। इसीलिए कोई चैलेंज नहीं है, दोनों जगह कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतेगी, एक जगह हेमंत सोरेन जी और उद्धव जी